गहलोत वसुंधरा को किसी चुनाव में नहीं मिले 50% वोट, पायलट भी लिस्ट में, यहां जीत का अंतर रखता है मायने, जाने दिग्गजों का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 25% से कम वोट हासिल करने वाले भी विधायक बन जाते हैं। लगातार 5 बार से जीत रहे दिग्गज नेता भी अब तक कुल पंजीकृत मतदाताओं के 50% वोट हासिल नहीं कर सके। इनमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी शामिल हैं। इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेकिन अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में 2018 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम रहा। पिछले 3 चुनावों के परिणामों का एनालिसिस किया तो कई रोचक जानकारियां सामने आई। चुनावी मैदान में उतरे नेताओं में केवल वसुंधरा राजे ही 2013 में कुल पंजीकृत मतदाताओं के 50% आंकड़े के करीब पहुंच सके। उन्हें झालरा पाटन में 49.95% वोट मिले। सचिन पायलट को टोंक में 2018 में 48.65% वोट मिले। वहीं 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी सीट पर 45% से भी कम वोटर्स का मत हासिल कर जीतते आए हैं। अशोक गहलोत लगातार 5 बार जीते, छठी जीत का इंतजार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से लगातार 5 बार जीते हैं। वे 1998 से इस सीट से लगातार यहां विधायक हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वे 5 बार सांसद भी रहे। इसके बावजूद उन्हें पिछले 3 चुनावों में कभी कुल पंजीकृत मतदाताओं के 50% वोट नहीं मिले। 2008 के चुनाव में उन्हें 31% वोट मिले थे, तब उनके सामने कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को हराया था। 2013 के चुनाव में गहलोत को कुल वोटर संख्या के महज 38.5% वोट मिले। चुनाव में 11 प्रत्याशी थे। बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को छोड़कर शेष प्रत्याशी नोटा को मिले 1179 वोट के आधे वोट भी हासिल नहीं कर पाए। 2018 में अशोक गहलोत को मिले वोटों में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन ये आंकड़ा 42.38% ही रहा। गहलोत ने शंभू सिंह खेतासर को 30% के बड़े अंतर से हराया। इस बार अशोक गहलोत का मुकाबला बीजेपी के प्रोफेसर महेंद्र राठौर से है। महेंद्र पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले प्रदेश के सीएम गहलोत की जीत के अंतर को लेकर चल रही है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद और 5 बार विधायक। वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। वे 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रही हैं। इसके बावजूद वे केवल 1 बार 2013 में कुल पंजीकृत मतदाताओं के 50% वोट के आंकड़े के करीब पहुंच सकी। उन्होंने झालरा पाटन में 49.95% वोट हासिल कर कांग्रेस की मीनाक्षी चंद्रावत को हराया था। उनके सामने कुल 7 प्रत्याशी थे। वसुंधरा और मीनाक्षी को छोड़ दें तो अन्य प्रत्याशियों को नोटा के 3,729 वोट से भी कम वोट मिले थे। 2018 में वसुंधरा राजे इस मार्जिन को बरकरार नहीं रख सकी। उन्हें केवल 42% वोट ही मिले। उनके खिलाफ कांग्रेस ने कर्नल मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। विरोधी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने सबसे अधिक 81,504 वोट हासिल किए। वहीं 2008 में वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से केवल 39% वोट मिले थे। उनके सामने 12 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार वसुंधरा राजे का मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। रामलाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस हॉट सीट पर भी जीत हार को लेकर कोई संशय नहीं है। नजर केवल जीत के मार्जिन पर टिकी है। यहां 2018 की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। सचिन पायलट बड़े मार्जिन से जीते। सचिन पायलट पहली बार 2018 में विधायक बने। उन्होंने बीजेपी की वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान को बड़े अंतर से हराया था। पायलट ने 48.65% वोट हासिल किए थे, जबकि यूनुस खान को 54,861 वोट मिले थे, जबकि सचिन पायलट को 2 गुने वोट मिले थे। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे सचिन पायलट टोंक से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता से है, लेकिन यहां मुकाबले से ज्यादा मार्जिन को लेकर चर्चा है।
सचिन इस बार जीतते हैं तो जीत का मार्जिन कितना होगा? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनाव को केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। इस इंतजार के बीच जानिए राजस्थान के उन नेताओं के बारे में जिन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की, लेकिन वे कुल पंजीकृत मतदाताओं को 50% वोट हासिल नहीं कर सके। रिकॉर्ड मतों से जीत, लेकिन 50% वोटों से रहे दूर। कैलाश मेघवाल। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद 89 वर्षीय कैलाश मेघवाल निर्दलीय प्रत्याशी भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट के रूप में चुनाव मैदान में हैं। 2018 में इन्होंने कांग्रेस के महावीर प्रसाद को 74,542 के रिकॉर्ड मतों से हराया था। इनकी जीत का मार्जिन 45.1% वोट था। बावजूद इसके उन्हें कुल पंजीकृत मतदाताओं के 43% वोट ही मिले। इससे पहले 2013 में कैलाश मेघवाल को 45.64% वोट मिले। 2008 में शाहपुरा सीट से कांग्रेस के महावीर प्रसाद चुने गए, उन्हें 30% वोट ही मिले। कैलाश मेघवाल के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने से इस बार ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।